Hey guys, Assalamualaikum, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं जोस्ना आप लोगों को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दही चिकन बनाने की रेसिपी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले चिकन को फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे तेल हो चुके हैं गरम और यहाँ पे मैंने लिया है 3 अनियन और उसको मैंने चॉप कर लिया है। और अब मैं इसे डाल लूंगी तेल पर और अब डालूंगी 3 तेज पत्तियाँ और अब डालूंगी 2 हरी मिर्च और 2 मिनट तक इसे मैं भूनती रहूंगी प्याज को ब्राउन होने तक। और अब डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और अब मैं इसे मिला दूंगी और अब डालूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और अब डालूंगी मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर और अब डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और मसालों को अब मैं मिला दूंगी। अब मैं फ्राई किए हुए चिकन को डाल दूंगी और अब मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसे मिला लूंगी। और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और अब मैं डालूंगी दही। और यहाँ पे मैंने दही लिया है 4 बड़ा चम्मच और अब मैं दही को मिला दूंगी। और अब मैं दोबारा से थोड़ा पानी और डाल दूंगी और अब मैं डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच चिकन मसाला और अब मैं इसे मिला दूंगी। तो आफ्टर 15 मिनट के बाद दही चिकन बन चुके हैं। अब मैं दही चिकन के ऊपर कटी हुई धनिया डाल दूंगी और अब ढक्कन लगा के इंडक्शन को बंद कर दूंगी। और अब दही चिकन को गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।